हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अभिमन्यु कुमार, आई एम फैकल्टी इन फिजिक्स। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज आप लोगों के समक्ष क्लास ट्वेल्थ के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर्स नंबर हम 5 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट टॉपिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देखने वाले हैं, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का लेक्चर्स नंबर 5 को हम डिस्कस करेंगे। और लेक्चर्स नंबर 5 में हम लोग आवेश के क्वांटिनीकरण को देखे थे, यानी चार्ज इज क्वांटाइजेशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखे थे, लेकिन आज के लेक्चर्स में हम चार्ज इज क्वांटाइजेशन पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। किसी चालक से, यानी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। किसी चालक से 10^100 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है तो यदि किसी चालक से 10^6 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है तो चालक पर आवेश होगा। अब देखिए दोस्तों, हम अगर नेक्स्ट लेक्चर्स में, यानी प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग स्टडी कर चुके थे चार्जेस क्वांटिनाइजेशन पर बेस्ड बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके थे, लेकिन लेक्चर्स नंबर 5 में हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जिससे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी चालक से 10^6 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया जाता है तो चालक पर आवेश होगा, और उस कंडक्टर ऑफ वायर पर कितना कूलम के चार्ज को हमको देना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, हम चार्ज इज क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। क्यू बराबर क्या होता है दोस्तों? एनी होता है। और यहाँ पर एन का वैल्यू कितना इलेक्ट्रॉन्स हम बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों? 10^6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10^6। और इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? 1.6 × 10^-19, इतना तो हम जानते हैं। अब देखिए, इसको हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1.6 × 10^-19 में से 6 को घटा लेते हैं दोस्तों, फिर क्या बचते हैं? बचेगा -13। और आवेश के यूनिट क्या होता है बाबू? कूलम होता है। यानी इतना कूलम को चार्ज हम इस कंडक्टर ऑफ वायर के सतह पर हमको देना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट को हम चलते हैं, यानी एग्जाम्पल नंबर सेकंड हम देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, किसी चालक पर 9.6 × 10^26 कूलम आवेश हो तो किसी चालक पर 9.6 × 10^26 कूलम आवेश हो तो कितने इलेक्ट्रॉन चालक से हटाए जाएंगे? कितने इलेक्ट्रॉन चालक से हटाए जाएंगे। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर हम सेकेंड क्वेश्चंस में देखेंगे, यदि किसी चालक पर 9.6 × 10^26 कूलम आवेश, यानी इफ कंडक्टर ऑफ वायर इन चार्ज 9.6 × 10^26 कूलम का चार्ज दे दिया जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन्स को हटाए जाएंगे? यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर ऑफ वायर से हम बाहर निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर निकालना होगा तो क्यू बराबर क्या जानते हैं दोस्तों? एन ही जानते हैं। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर हटाए जाएंगे, यानी निकाले जाएंगे, यानी एन का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर एन को जो जिस चीज़ का वैल्यू पूछता है उस चीज़ को हम यहीं पर छोड़ देते हैं, और जो चीज़ आपका गुणनफल के रूप में बचता है उसको हम डिवीजन के फॉर्म में ला देते हैं। क्यू बटा क्या हो जाएगा दोस्तों? ई हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एन बराबर क्या हो गया? क्यू बटा ई। और क्यू का वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है, यानी इस कंडक्टर ऑफ वायर पर कितने कूलम का चार्ज देते हैं दोस्तों? 9.6 × 10^26, यानी 9.6 × 10^26। अब बटा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? हम जानते हैं क्या होता है, 1.6 × 10^26
क्या होता है माइनस 19 कितना होता है ना जी। अब देखिए इसको हम कटाएंगे तो यहाँ पर कितना मर्तबे में कटेगा, 6 मर्तबे में कटेगा। तो यहाँ पर 6 गुणे 10 के पावर 26 गुणे यहाँ पर माइनस में ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा, 10 के पावर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। और इसको हम गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 10 के पावर। अब दोस्तों बताइए यहाँ पर गुणा में रहता है कोई भी डाटा तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। यहाँ पर क्या है 26 और 19 गुणा के रूप में है तो पावर को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 26 19 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, यानी 10 to power 45। यहाँ तक 10 to power 6 गुणा 10 के पावर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। इतना इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर ऑफ वायर से आउटर साइड में निकाले जाएंगे। अब यहाँ तक तो यानी सेकेंड क्वेश्चन को तो हम लोग बहुत सारे स्टडी कर लिए दोस्तों। अब बताइए यहाँ पर अगले क्वेश्चन को हम लोग चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी एग्जाम्पल नंबर 3 का पर चलते हैं। एग्जाम्पल 3 का क्या है किसी वस्तु पर 2 × 10 के पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स 2 × 10 के पावर 15 इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो उस पर आवेशों की प्रकृति होगी, उस पर आवेशों की प्रकृति होगी, प्रकृति होगी। आप देखिए दोस्तों किसी वस्तु पर 2 × 10 to power 15 इलेक्ट्रॉन्स को कमी हो तो उस पर आवेशों की प्रकृति होगी, यानी चार्ज का नेचर क्या होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक फार्मूला जानते हैं, क्यू बराबर क्या होता है दोस्तों एनी होता है। अब देखिए यहाँ पर n का वैल्यू दे रखा है, n का वैल्यू कितना दे रखा है 2 × 10 to power 15 और इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू होता है 1.6 × 10 to power -19 कितना होता है। अब देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.2 यानी 16 × 32 यानी 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 19 में से 15 को घटा लेंगे तो क्या बचेगा 4 और चार्ज का यूनिट क्या होता है बाबू कूलम्ब होता है। अब बताइए इस तरह कोई डाउट है यहाँ तक, यानी 3 का क्वेश्चन के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके। अब एक लास्ट क्वेश्चन यानी 3 का क्वेश्चन देखते हैं, 3 का तो हम देख लिए दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसको मिटा देते हैं, नोट नहीं किए हैं तो इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 3 का क्वेश्चन देखते हैं, यानी एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, किसी वस्तु पर +6 μC का आवेश है, किसी वस्तु पर +6 μC का आवेश है, आवेश है किसी वस्तु पर +6 μC का आवेश है तो इस पर आवेशों की कमी या अधिकता को बताएं। तो इस